हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनिष्का और RYL वेलनेस निर्वाणा में आपका दोबारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ वेट लूज योगा पोजेस के बारे में जानेंगे। इन योगा पोजेस को आप डेली करते हैं तो आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने अपने इस चैनल पर और भी कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आसन है धनुरासन। इस आसन में हमें पूरा लेटना होता है, उल्टा लेटना होता है हमें, और हमें अपनी वन लेग ऊपर करनी होती है। और अगर हम लेफ्ट लेग ऊपर करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ना है, और राइट हैंड लेग ऊपर करते हैं तो राइट हैंड से पकड़ना है। फिर हमें अपनी नेक ऊपर करनी है और अपनी लेग्स को भी, और अपना सारा वेट अपने पेट पे डाल देना है। अगर आपकी लेग्स खुल रही हैं तो कोई बात नहीं। आप दोबारा ऐसे करेंगे, आप इसको 5 काउंट्स तक करेंगे। हम इस आसन को 3 टाइम्स करेंगे, ये लास्ट टाइम हम इसे कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आसन है कोबरा पोज। इस आसन में भी हमें फर्स्ट ऐसे ही उल्टा लेटना होता है, अपने हैंड्स को यहाँ अपने नेक के बगल में रखना होता है, और अपने लेग्स को थोड़ा सा खोलकर पीछे की तरफ बेंड होना होता है। आप इसे 5 काउंट्स तक करेंगे। इन योगा पोजेस को करते वक्त आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आप इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे करें, नहीं तो आपकी बॉडी में कोई भी बोन या वेन इधर उधर हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम इस आसन को भी 3 टाइम्स करेंगे। हमारा नेक्स्ट आसन है कैट पोज। इसके लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना होता है, फिर आपको अपने हाथों को ज़मीन पर रखना होता है और अपनी बैक को अंदर को बेंड करना होता है। ये होता है हमारा कैट पोज। फिर आपको दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आना होता है। कैट पोज आप 5 के काउंट तक कर सकते हैं, हम कैट पोज को सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे। ये लास्ट टाइम हम इसे कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आसन है काओ पोज। कुछ लोग इसे कैमल पोज भी बुलाते हैं। इस आसन में भी हमें ऐसे ही कैट पोज की तरह खड़े होना होता है, बस अपनी बैक को अंदर की तरफ बेंड करने के अलावा बजाय हमें इसे ऊपर को बेंड करना होता है। या 5 के काउंट्स तक करेंगे, फिर आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापिस आ जाएंगे। इन आसनों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी कोई भी बॉडी की बोन या फिर वेन इधर उधर हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इन आसनों को आप बहुत ही आराम से और धीरे से करें। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आसन है उष्ट्रासन। इसमें आपको वज्रासन में बैठना होता है और अपने हाथों को पीछे ले जाना होता है
और दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाना होता है और अपने हेड को बैक कर लेना होता है। इस आसन को आप 5 की काउंट्स तक करेंगे। इस आसन को भी हमें पिछले आसनों की तरह 3 टाइम्स ही करना है। अब हम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम अपने नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे, मेडिटेशन का साइन बनाएंगे और हमारा पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। हम इस पोस्चर में बिल्कुल हाफ मिनट के लिए बैठेंगे। इस रिलैक्सेशन पोज को करते वक्त आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। ये आसन बॉडी रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, पर अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।